नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 3 जिले के 3 अधिकारी गिरफ्तार। बोकारो में पीएम आवास योजना, पलामू में नकल निकालने और हजारीबाग में क्लिनिक रिन्यूअल के लिए लिया जा रहा था घूस। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 3 जिलों में टीम ने भ्रष्टाचार अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई हजारीबाग, बोकारो और गढ़वा में की गई। झारखंड में 11 गैर अनुसूचित जिलों में जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड हाईकोर्ट में सरकार ने मामले पर दी सफाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने राज्य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाईस्कूल शिक्षकों, पंचायत सचिव और निम्न वर्ग लिपिकों की नियुक्ति मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार 10 दिनों के अंदर नियुक्तियों के मामले में फैसला कर लेगी। लिए गए फैसलों से अदालत को भी अवगत कराया जाएगा। महाधिवक्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से लिए गए फैसले की जानकारी देने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। झारखंड में हर साल 10 गरीब मेधावी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी हेमंत सरकार, शुरू की ये खास योजना। झारखंड में मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 की शुरुआत हो गई है। योजना के पहले चरण में अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से इन 6 होनहार आदिवासी युवाओं को पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम भेजा जा रहा है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि अगले चरण में समाज के दूसरे वर्गों के छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के बच्चों को अब पैसों के अभाव में विदेश में पढ़ाई का सपना चकनाचूर नहीं होगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021 की शुरुआत करते हुए इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। झारखंड में महिलाओं के लिए निकली बंपर वैकेंसी, कई पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। आप सबको बता दूं कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए कुल 497 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jap.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। पुरुष उम्मीदवारों का आवेदन मान्य नहीं होगा। चयनित महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न जिलों के आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2021। आप सबको बता दूं कि टीचर के लिए 341 पद है, फुल टाइम चौकीदार के लिए 57 पद है, फुल टाइम कुक के लिए 50 पद है और अकाउंट और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पद है। इनके लिए योग्यता भी इस तरह से है। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार ने बीएड के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की हो। अकाउंटेंट पद के लिए उम्मीदवारों के पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। कुक पद के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं पास होना अनिवार्य है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए। अधिकतम आयु की सीमा में बीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी गई है। उम्मीदवारों का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उससे भरकर अपने संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन 25 को जाएंगे दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर जाति आधारित जनगणना की करेंगे मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 सितंबर को सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वे जाति आधारित जनगणना और सरना कोड जनगणना में शामिल करने की मांग उठाएंगे। इस बैठक में भाजपा के सहयोगी आजसू पार्टी का भी साथ मिला है। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस, राजद और वामदलों के भी प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि भाजपा समेत सभी दलों से सर्वदलीय शिष्टमंडल में शामिल होने का आग्रह किया गया है। बता दें कि झारखंड में जाति आधारित जनगणना की मांग हो रही है। आजसू सहित कांग्रेस, राजद, झामुमो और विभिन्न संगठन भी जोर शोर से इसकी मांग कर रहे हैं। खबर है झारखंड के रांची से, गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाला हो जाए अलर्ट, नहीं तो होगा एफआईआर। अपात्र राशन कार्ड धारकों को डीसी ने जारी किया नोटिस, कहा स्वेच्छा से सरेंडर करें कार्ड।
राजधानी में गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसके तहत रांची डीसी छवि रंजन ने आम नोटिस जारी करते हुए सभी अपात्र लाभुकों को 30 सितंबर तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। डीसी ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY एवं पूर्ववृत्ता प्राप्त गृहस्थ योजना यानी PHH के माध्यम से खाद्य वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे लाभुक चयनित हो गए हैं जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं है, इसीलिए ऐसे परिवार PHH अंत्योदय राशन कार्ड अपने प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी या जिला आपूर्ति कार्यालय में विलोपित या रद्द करने हेतु स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें, नहीं तो अपात्र व्यक्ति PHH AAY राशन कार्ड का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई होगी। गोड्डा रांची वाया भागलपुर जमालपुर चलेगी ट्रेन, 29 को हरी झंडी दिखाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। गोड्डा रांची एक्सप्रेस का उद्घाटन 29 सितंबर को होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाएंगे। गोड्डा में स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहेंगे। 29 सितंबर को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन चलेगी जो दिन के 1:15 पर गोड्डा से रवाना होगी। ट्रेन का नियमित परिचालन 30 सितंबर को रांची से और 1 अक्टूबर को गोड्डा से होगा। गोड्डा से यह ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को भागलपुर, जमालपुर, क्विल होकर रवाना होगी। वहीं रांची से यह ट्रेन गुरुवार, शनिवार और सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन पहले भागलपुर से रांची के बीच चलाई जा रही थी, अब इस ट्रेन को गोड्डा तक विस्तार कर दिया गया है। पहले यह चर्चा थी कि 26 सितंबर को ट्रेन का उद्घाटन होगा, लेकिन रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार 29 सितंबर को उद्घाटन होगा। नियमित रूप से चलने पर यह ट्रेन गोड्डा से दिन के 12:40 पर रवाना होगी, भागलपुर शाम 4:35 पर पहुंचेगी और 5:05 पर रवाना हो जाएगी। इस बीच में पोड़ैयाहाट, हसडिया, मंदार हिल और बराहाट में भी रुकेगी। खबर है झारखंड के रांची से। मुख्यमंत्री ने कांके के आदिवासी जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ की जांच का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके अंचल के बुकरू मौजा में सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर म्यूटेशन करा लिए जाने के मामले की CID या साइबर अपराध थाने के माध्यम से जांच कराने का आदेश दिया है। हाल ही में यह मामला सामने आया था कि जमीन माफिया ने रांची के कांके अंचल के बुकरू मौजा में स्थित खाता नंबर 169 के प्लॉट नंबर 177 की 4.14 एकड़ आदिवासी जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ कर म्यूटेशन करा लिया है। माफिया ने विभाग के लोगों से मिलीभगत कर ऑनलाइन खतियान और पंजी 2 में छेड़छाड़ कर अस्वीकृत दाखिल खारिज को भी स्वीकृत दिखाकर म्यूटेशन करा लिया है। प्रारंभिक जांच में खुलासे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से अनुरोध किया है कि 2 माह के भीतर वे CID या साइबर अपराध थाने से जांच कराकर रिपोर्ट दें। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले मिले हैं। झारखंड में 16 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 14 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब राज्य में 63 एक्टिव मामले हैं। कोरोना के मामले में भी कमी आ गई है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। 16 नए मरीजों में से 9 राजधानी रांची से मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम से 3, बोकारो से 2, चतरा और पूर्वी सिंहभूम से 1-1 संक्रमित मिले हैं। आप सबको बता दूं कि देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, गोड्डा, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज और सिमडेगा में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। झारखंड में अब तक कुल 3,48,146 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। इसके साथ ही 3,42,950 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अब तक राज्य में 5,133 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। झारखंड में फिर होगी भारी बारिश, 28 सितंबर तक जारी किया गया येलो अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो इस बार सितंबर महीने में बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। आमतौर पर मानसून सितंबर मध्य से वापस होने लगता है, लेकिन इस बार देश भर में कई राज्यों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर पूरे झारखंड में दिख रहा है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार इसका असर 28 सितंबर तक झारखंड के कई जिलों में रहेगा। कई जिलों में मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है, इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि आज झारखंड के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व हिस्से के ऊपर बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन तेलंगाना तक फैला हुआ है। वहीं मानसून का टर्फ लाइन भी इस कम दबाव का क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। एक अन्य चक्रवातीय क्षेत्र म्यांमार के तटीय इलाके में भी बना हुआ है और साथ ही इसी इलाके में 25 सितंबर तक बनेगा, जो अगले 48 घंटों में ओडिशा के तट पर टकराएगा। इसका असर भी राज्य में देखने को मिलेगा। वहीं आईएमडी के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश के आसार है। गुजरात में अलग अलग स्थानों पर 25 से 26 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भारत मौसम विज्ञान के अनुसार देश के इस पश्चिमी और पूर्वी राज्य में आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पर है झारखंड के सरायकला से। झारखंड के सरायकला में लगेगा दूसरा ऑक्सीजन प्लांट, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे शिलान्यास। झारखंड के सरायकला सदर अस्पताल के बाद अब कुचाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। पीएम केयर फंड से बनने वाले इस पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास 25 सितंबर को किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरायकला खरसावां जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार, एसीएमओ डॉक्टर प्रदीप कुमार पति, डीआरसीएचओ डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को कुचाई सीएचसी पहुंचकर तैयारी का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सुनील सज्जन ने बताया कि स्थानीय विधायक दशरथ गोगराई की उपस्थिति में केंद्र जनजाति मामलों के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। खबर है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से। झारखंड से पीएलएफआई का एरिया कमांडर मोदी गिरफ्तार, स्पेशल ब्रांच की टीम कर रही है पूछताछ। झारखंड के कुल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस ने जिले के बनगांव, कराईकेला, टेबो, टोकलो और झरझरा आदि में पीएलएफआई के सक्रिय एरिया कमांडर मोदी उर्फ हर सिंह सांडीपूर्ति उर्फ सुखराम सांडीपूर्ति को बुधवार देर रात टेबो थाना क्षेत्र अंतर्गत बोबांगा गाँव के आसपास के जंगलों में छापामारी कर धर दबोचा है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। हिमाचल प्रदेश में ठगी करने वाले 9 साइबर क्रिमिनल्स झारखंड से अरेस्ट, जब्त मोबाइल खंगाल रही है पुलिस। झारखंड के जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। साइबर थाना और हिमाचल प्रदेश के पुलिस ने नारायणपुर और करमाटांड थाना क्षेत्र से कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 24 मोबाइल, 36 सिम, 10 एटीएम, 11 पासबुक, 1 चेकबुक और 1 बाइक जब्त किया गया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।